हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता था, हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हमने नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको अच्छे से समझ लिया था, पर नागरिकता से संबंधित कुछ छोटे छोटे मुद्दे रह जा रहे थे, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसे NRI, OCI, इसी में समझेंगे PIO, या फिर समझेंगे डायस्पोरा, फिर आधार कार्ड, है ना, सेंसस, NSR, इन सब चीजों को दोस्तों आज हम समझेंगे। ये सब प्री व मेंस में कभी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे NRI से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि NRI कौन होते हैं, है ना, कई ट्रिक दे दिया जाएगा। या NRI से मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में NRI की भूमिका का वर्णन करिए। तो हमें इन सब चीजों को दोस्तों समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास देखो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज आपको IR भी पढ़ने को मिलेगा, आज आपको इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी, पॉलिटी तो चलो आप पढ़ ही रहे हो। जब इस तरह की क्लास होती है ना, जिसमें कई सारे विषय आपस में जुड़े रहते हैं, तो बड़ी पढ़ने में मजा आती है। और मैं सामान्यतः कोशिश भी करता हूं कि मैं जब भी कुछ पढ़ाऊं तो बड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाऊं, क्योंकि UPSC की भी यही डिमांड है। UPSC ये देखना चाहता है ना कि एक बच्चा जो आंसर लिख रहा है वो कितना बहुआयामी हो सकता है, कितना मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। एक बच्चा जब किसी चीज को देखता है तो उसे कितने नजरिए से सोच सकता है। जैसे आप एग्रीकल्चर की समस्या पर बात करो अगर, तो उसे कितने तरीके से आप सोच सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ दो, उसको सोसाइटी से जोड़ दो, उसको जेंडर से जोड़ दो, उसको कास्ट से जोड़ दो, उसको इकोनॉमी से जोड़ दो, उसको डेमोक्रेसी से जोड़ दो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल से जोड़ दो, है ना, उसको लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दो। कई तरीके से आप जोड़ सकते हो दोस्तों। और आपको जब ये कला आ जाएगी ना इस तरह जोड़ने की, तो मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है और अब आप सिलेक्शन के करीब आ चुके हो। क्योंकि दोस्तों UPSC व UPSC कोई रटने का एग्जाम नहीं है। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात करो, मुझे बिल्कुल भी ना पता होगा, तब भी मैं कहीं ना कहीं से लिंक बना के उस पर कई घंटे चर्चा कर सकता हूं। यही एक पर्सनालिटी UPSC की डिमांड होती है। और दोस्तों यही हमें अपने अंदर डेवलप करना है। इसीलिए आप मेरे पढ़ाने में देखते होंगे कि मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके सोचने के तरीके को लेकर मैं बहुत काम करता हूं। आप खुद देखिए कि जब से आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपके सोचने के या आपके आंसर लिखने में बहुत चेंज आया होगा। चलिए दोस्तों अब क्लास की ओर चलते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं NRI से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि NRI शायद विदेशी होते हैं, है ना, NRI के बारे में ज्यादा जानकारी का अभाव होता है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कि NRI कौन होते हैं। तो देखिए NRI वह भारतीय होते हैं, वह भारतीय होते हैं, ठीक, जो सामान्यतः भारत में निवास नहीं करते, भारत में निवास नहीं करते। अब देखिए दोस्तों इसमें दो कीवर्ड हैं। पहली बात तो मैंने कहा सामान्यतः, ज्यादातर, मतलब ज्यादातर भारत में निवास नहीं करते, भारत के बाहर निवास करते हैं। फिर दूसरी बात, ये निवास शब्द था। अब देखिए इसको आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। उदाहरण आप देख लीजिए प्रियंका चोपड़ा का। जैसे प्रियंका चोपड़ा वर्तमान में ज्यादातर समय कहां रहती हैं, USA में, लेकिन कहां की नागरिक है, भारत की नागरिक है। तो आप कहोगे कि हां अब समझ में आ गया, ऐसे नागरिक या ऐसे भारतीय नागरिक जो ज्यादातर विदेश में रहते हैं उनको NRI कहते हैं। अगर अब भी ना आ रहा हो तो एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि मैं अपने घर प्रयागराज में पहले रहता था, और मान लीजिए अब मुझे जॉब के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादातर कहां रहूंगा, दिल्ली में रहूंगा, कभी कभार ही तो अपने घर आऊंगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा फिर, एक प्रकार से मैं NRP
पी हो जाऊंगा, नॉन रेजिडेंट प्रयागराज, क्योंकि मैं अब गैर निवासी प्रयागराज हो जाऊंगा, क्योंकि प्रयागराज में अब मैं निवास नहीं कर रहा। पर इसका यह मतलब नहीं होगा कि मैं प्रयागराज की सदस्यता खो दूंगा। मान लो मेरा घर प्रयागराज में, तो मैं वहां का सदस्य तो रहूंगा ना। मैं ज्यादातर रहता दिल्ली में हूं, पर उसका यह मतलब नहीं हो जाएगा कि मेरी सदस्यता चली जाएगी। वैसे ही दोस्तों ये कहानी है कि ऐसे नागरिक जो सामान्यता भारत से बाहर रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा का मैंने आपको इसमें उदाहरण दिया कि वो ज्यादातर यूएसए में रहती हैं, पर इंडिया की सिटीजन है। क्लियर हो गया, अब तो इसमें एनआरआई में कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्लियर, गैर निवासी भारतीय। अब इसमें कोई सवाल नहीं आपको बनता कि ये क्या है, क्या वाला मामला क्लियर हो गया। अब सवाल है कि इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो मैं कहूंगा दोस्तों, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि हर सिटीजन को सभी पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। तो चूंकि ये सिटीजन है इसलिए इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, अर्थात ये वोट दे सकते हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वोट कैसे देते होंगे। तो देखिए, वोट दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो जहां पर रहते हैं वहां से चले आए और वोट दें। जैसे आप देखते होंगे चुनाव के समय कई लोग जो अरब कंट्री में काम करते हैं वो आते हैं वोट देने। या हम ही लोगों को देखिए आप, है ना, हम लोग कहीं भी हों, हमारे गांव में जब वोटिंग होती है तो हम जाते हैं देने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वोटिंग देना या वोटिंग करना हमारा एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदार नागरिक की ड्यूटी है। और देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भी है कि अगर आप वोट नहीं देते या चुनाव में सहभागिता नहीं करते तो इसका यह मतलब है कि आप एक अयोग्य शासक को, है ना, आप एक अयोग्य शासक को अपने ऊपर शासन करने के लिए अनुमति देते हैं। इस लाइन को आप समझिएगा, आप वोट देने जा नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप सहभागिता नहीं कर रहे। आप कोई गलत आदमी चुन जाएगा, है ना, गलत आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ही पे तो शासन करेगा वो, और फिर आप उसे ब्लेम मत करिएगा क्योंकि आप तो गए नहीं थे ना वोट देने। तो इस तरह वोट देने का महत्व तो समझिए। चलिए इससे अलग चलते हैं टॉपिक पे अपने। तो मैंने कहा दो तरीके से वोट दे सकते हैं, एक तो वहां जाकर और दूसरा होता प्रॉक्सी वोट, मतलब डाक पत्र के माध्यम से वोट देना। देखिए दोस्तों, भारत में ये वैलिड है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो इस कारण अभी ये इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। हाल ही के समय में जब अभी यूएसए के प्रेसिडेंट की जो चुनाव हुए थे उसमें प्रॉक्सी वोट बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि कोरोना के कारण ज़्यादातर लोगों ने डाक पत्र के माध्यम से वोट दिया था। इसीलिए देखिए आप, जो वहाँ चुनाव हुए थे उसकी गणना करने में भी काफ़ी देर हुई थी, क्योंकि अब मशीन से तो काउंट हो नहीं सकते थे, हाथ से ही काउंट होंगे तो समय लगा था। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि ये लोग वोटिंग राइट्स रखते हैं, दो तरह से वोट भी दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एनआरआई को दर्जा कौन देता है, आखिर इन्हें कहां पर बताया गया है, इनके बारे में कहां चर्चा की गई है, क्या कहीं संविधान में इनके बारे में चर्चा की गई है? क्या सोचिए आप, क्या संविधान में इनके बारे में चर्चा की गई है? संविधान में व्यक्ति के बारे में तो कहा गया है, आर्टिकल 14 देखिए व्यक्ति के बारे में कहा गया, आर्टिकल 21 देखिए व्यक्ति के बारे में कहा गया है, लेकिन कहीं एनआरआई के बारे में कहा गया? सोचिए, तो कहीं नहीं कहा गया एनआरआई के बारे में। पूरे संविधान में कोई शब्द ऐसा यूज नहीं किया गया एनआरआई के तौर पे। एनआरआई को परिभाषित किया गया है या परिभाषित नहीं, एनआरआई के बारे में बात अगर कहीं की गई है तो वो है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 1961, मतलब इनकम टैक्स कानून में इनके बारे में कहा गया है। अब आप कहोगे कि सर इस कानून में क्यों कहा गया? तो देखिए, अब भारतीय लोग जो विदेश में काम करते हैं वो कहां टैक्स देंगे, भारत में देंगे कि विदेश में देंगे? अरे भाई, यहां कमाते हैं वहां टैक्स दिया जाता है, तो वो विदेश में देंगे। इसीलिए इसके अंतर्गत दो बांटे गए हैं, है ना, एक रेजिडेंट इंडियन, अर्थात जो भारत में रह रहे हैं कमा रहे हैं वो भारत में टैक्स दें, और साथ में जो भारत में नहीं रह रहे वो यहां पर रह रहे हो वहां टैक्स दें। इस कारण इसमें दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। अब परिभाषा की बात हुई,
कि भाई रेजिडेंट इंडियन किसे कहा जाएगा और नॉन रेजिडेंट इंडियन किसे कहा जाएगा, ये बताओ। तो इस कानून ने क्या कहा है कि ऐसे लोग जो एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहें, उसे बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन। बात समझ में आई? क्या कहा? फाइनेंशियल ईयर में, याद रखिएगा मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब 182 दिन से ज्यादा रहे, साथ में, समझ में मेरी बात, 182 दिन याद रखिएगा, इसका क्या मतलब है? सामान्यता मैंने बोला था ना आपको, और 182 दिन का क्या मतलब है? साल भर में आधे से ज्यादा, जो व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में आधे से ज्यादा समय भारत में रहता है उसको रेजिडेंट इंडिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो हमें पता चल गई। अब जितने भी भारतीय हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उसमें से अगर इनको निकाल देंगे, आरआई को निकाल देंगे, तो बाकी कौन बचेगा? एनआरआई तो बचेंगे, है ना? तो इस तरह एनआरआई की परिभाषा निकाली जाती है। अर्थात इस कानून में एनआरआई को परिभाषित नहीं किया गया दोस्तों, इस कानून में रेजिडेंट इंडियन को परिभाषित कहा किया गया है, और कहा गया है कि जो रेजिडेंट इंडियन नहीं है वो एनआरआई होगा। जैसे मैं कहूं कि इस क्लास में 50 अच्छे बच्चे हैं और कुल 100 बच्चे हैं, तो बताइए कितने बुरे बच्चे हैं? तो आप कहोगे सर 50 बुरे बच्चे हैं। अर्थात जो बच्चे अच्छे नहीं है वो बच्चे बुरे हैं। तो वैसे ही जो लोग रेजिडेंट इंडियन नहीं है वो एनआरआई है, इस तरह इसमें परिभाषित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एनआरआई का फायदा क्या होता है? तो मैं कहूंगा एनआरआई का सबसे बड़ा फायदा होता है विदेशी मुद्रा के अर्जन में, विदेशी मुद्रा के प्राप्ति में, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में। विदेशी मुद्रा किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन होता है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। इस बात को अब चलिए महसूस करते हैं। आपको पता होगा कि भारत अपनी कई सारी आवश्यकताओं की चीज विदेश से लेता है, बदले में क्या करता होगा? उनको पैसे देता होगा। 1991 की बात देखिए कि 1991 में क्या हुआ था, भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, भारत के पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल कम हो गई थी। तो क्या कहा गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि हमें बाहर से क्या लेना पड़ता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, गैस, है ना, गैस लेनी, तो हमें उसके बदले पैसा भी तो देना पड़ेगा। और याद रखिएगा पैसा विदेशी मुद्रा ही देना पड़ता है, आप रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि विदेशी मुद्रा के आधार पर ही हम व्यापार कर सकते हैं। तो इस कारण विदेशी मुद्रा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में। अगर आपको व्यापार करना है तो विदेशी मुद्रा आपको रखना ही होगा। अब सवाल ये उठता है दिमाग में आप लोगों के कि भाई ऐसा क्यों होता है, व्यापार करने के लिए हम रुपए में क्यों नहीं कर सकते, विदेशी मुद्रा में क्यों करते हैं? और देखिए आप लोगों को ये चीज पता होगी, रटी होगी, लेकिन महसूस नहीं किया होगा। लेकिन चलिए आज महसूस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कुछ रुपए कैसे काम करता है पता है? जैसे मान लो ये 500 का एक नोट है। अच्छा बताइए इस नोट की कोई अपनी कीमत है? जैसे मान लो 1 ग्राम सोने का सिक्का है, अगर इसमें 10,000 लिख दे, नहीं 10,000 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, अगर मान लो ये 1 ग्राम सोने का सिक्का है और इसमें मान लो 1,000 रुपए लिख दे, तो आप बताओ इस सोने के सिक्के की कीमत कहां से आ रही है? इस सोने से ही आ रही ना, जो सोना है वो अपने आप में वैल्यू रखता है, पर इस नोट में, इस कागज के टुकड़े में जो 500 की कीमत आ रही है वो कहां से आ रही है? इस कागज के टुकड़े से आ रही है क्या? नहीं, वो कहां से आ रही है? वो आ रही है आरबीआई में रखे सोने से, गोल्ड से। हम जानते हैं ना कि जितना नोट छपता है सोना रखा जाता है, यही पता है ना आप लोगों को। तो
हमारे पास जब ये 500 का नोट होता है तो हमें क्या पता होता है कि इस नोट के बराबर सोना रखा है आरबीआई के पास, अर्थात जो मेरे पास करेंसी है ना इसके बराबर नोट के बराबर सोना रखा है। बात समझ में आई? वहां से इसको कीमत मिलती है। इसमें देखिए लिखा भी रहता है कि मैं 500 रुपए देने का वादा करता हूं। कहने का यह मतलब है कि अगर यह कागज का टुकड़ा लेके आप आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई आपको 500 रुपए का सोना दे देगी या 500 रुपए की कोई दूसरी चीज देगी, पर देगी। बात समझिएगा मेरी, इसकी वैल्यू नहीं है, इस कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं है, इस टुकड़े के पीछे कोई ना कोई धातु रखी है या कुछ ना कुछ कीमती चीज रखी है, उस कीमती चीज के कारण इसकी वैल्यू है। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो सोचिए कि मान लीजिए आप मेरे पास आ रहे हो और मुझसे कहा कि सर 1,00,000 रुपए का मुझे चेक दे दीजिए, है ना, तो मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक दूंगा। ठीक है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का मैंने आपको चेक दे दिया साइन करके, अब आप उससे बड़े खुश हो गए कि देखो 1,00,000 रुपए मिल गए, तो ये बताइए उस कागज के टुकड़े में कीमत है क्या? कीमत किसमें है? आपको यह भरोसा है कि इस कागज के टुकड़े के पीछे कहीं ना कहीं 1,00,000 रुपए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अकाउंट में मेरे 1,00,000 रुपए जमा है, मान लो ये मेरा अकाउंट है, है ना, और इस अकाउंट में मान लो 10,00,000 रुपए जमा है, तो इस अकाउंट के कारण ही तो इसकी कीमत है। इसकी कोई अपनी कीमत नहीं है दोस्तों, इसके पीछे से कीमत आ रही है। जैसे इस नोट की कोई कीमत नहीं थी, इसके पीछे से इसकी कीमत आ रही है। और यह सब काम किससे चल रहा है? विश्वास से, विश्वास से यह सब चल रहा है, सब भरोसे पे चल रहा है ना चीजें। अब आप मुझे बताइए कि अभी और आपको महसूस होगा, मान लीजिए कि ये मैं हूं और ये अंबानी है और ये आप हो ना, मान लो ये आप हो। ठीक, अब बताइए अगर मैं आपको एक चेक देता हूं 1,00,000 का, अंबानी आपको 1,00,000 का चेक देता है, दोनों ने 1,00,000 का चेक दिया, और दोनों के ऊपर आप जो भरोसा करोगे किस तरह करोगे, क्योंकि इनके अकाउंट में कितना पैसा है इस पे विश्वास करोगे ना। इसको कहां से मिला? इस अकाउंट से मिला होगा जो अंबानी का अकाउंट है, इसी के कारण तो इसकी कीमत है। और जो मेरा अकाउंट है उसके कारण इसकी कीमत है। अब आप बताओ आप किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? खुद आप बताओ, आप इस पे ज्यादा भरोसा करोगे। क्यों? क्योंकि इस पे आपको इसलिए ज्यादा भरोसा होगा क्योंकि इसका खाता मजबूत होगा ना, ये कभी गरीब नहीं होगा मेरी तुलना में। मैं मान लो जल्दी गरीब हो सकता हूं ना, और जैसे ही मान लो गरीब हुआ इसकी कीमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब मेरे अकाउंट में ही पैसा नहीं रह जाएगा तो इस पर आप क्या भरोसा करोगे। लेकिन अंबानी के मामले में ये मजबूत है ना, ये कभी बंद नहीं होगा, इस कारण इसके चेक की हमेशा कीमत बनी रहेगी। अब यही सोचो आप कुछ इंडिया के संदर्भ में, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये अमेरिका है, अब ये मान लो ईरान है, ठीक, ये मान लो ईरान है, अब ये बताइए कि ईरान को अगर 1,00,000 का चेक चाहिए तो डॉलर में लेना पसंद करेगा कि रुपए में लेना पसंद करेगा? रुपए में इसलिए नहीं लेगा, ये मान लो ये रुपए का है और ये मान लो डॉलर है का है, वो रुपए में इसलिए नहीं लेगा क्योंकि रुपए के पीछे किस पे भरोसा होना चाहिए उसे? भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये अर्थव्यवस्था भारत की है, इसी अर्थव्यवस्था के कारण इसको मजबूती मिल रही है। ये किसकी अर्थव्यवस्था है? ये यूएसए की अर्थव्यवस्था है, और इस अर्थव्यवस्था के कारण इस चेक को मजबूती मिल रही है। तो आपको पता होगा कि ईरान किस पे भरोसा ज्यादा करेगा। जैसे अंबानी का खाता मजबूत था इसलिए अंबानी के चेक पे भरोसा कर रहा था, वैसे ही यूएसए की सबसे मजबूत इकॉनमी है, उसे पता है कि यूएसए की इकॉनमी कभी डूबेगी नहीं, इस कारण वो यूएसए के द्वारा
दिए गए चेक को ज्यादा वैल्यू देगा, उसके आधार पे ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि हम इसी के आधार पे व्यापार करेंगे, इस कागज के टुकड़े के आधार पे व्यापार करेंगे जिसमें डॉलर का साइन है, क्योंकि इसके पीछे जो संस्था है वो ज्यादा मजबूत है। बात समझ में आ रही? अब मान लो हम इसी ईरान को जिम्बाब्वे के नोट दें, तो कहेगा कि पता नहीं कब ये जिम्बाब्वे डूब जाए, हम इसके खूब सारे नोट लिए रखे रहे। और मान लो कभी गए जिम्बाब्वे के बैंक कि भाई हमें इसके बराबर सोना दे दो, क्योंकि आप तो कह रहे हो ना, आप तो वादा दे रहे हो ना, तो जिम्बाब्वे कहेगा कि भाई मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं क्या दूं, अब ये कागज का टुकड़ा है फाड़ के फेंक दो। तो इस तरह इकोनॉमी जितनी मजबूत होती है उतना ही ज्यादा उसकी करेंसी पे भरोसा किया जाता है। और यही चीज है कि डॉलर पे भरोसा किया जाता है, और डॉलर हो गई विदेशी मुद्रा, समझ जाइए। अब आएगी कैसे भारत में, क्योंकि भाई इसी पे भरोसा है लोगों को, इसी से व्यापार होगा, समझ में आ रहा? तो ये आएगी कैसे? तो आएगी या तो हम भारत में अच्छी अच्छी चीजें बनाएं और भारत से बाहर बेचें, जो लोग खरीदेंगे वो देंगे, एक तो यह तरीका आने का, अर्थात हम जितना ज्यादा निर्यात करेंगे उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग भारत में जो है भारतीय हैं वो बाहर काम करें, और काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, सैलरी उनको डॉलर में मिलेगी तो वो भारत भेज देंगे। तो यही होता है एनआरआई का रोल। एनआरआई का रोल क्या होता है दोस्तों? एनआरआई के जो लोग होते हैं, एनआरआई जो लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, जॉब करके कमाते हैं डॉलर, और फिर कहाँ उसको भारत में भेज देते हैं। तो इस तरह भारत में डॉलर बहुत आ जाता है। और याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को ही प्राप्त होता है, और ये रेमिटेंस जो प्राप्त होता है उससे भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है। जितना हमारे पास जितना विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, फिर हम उतना मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे व्यापार करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हम चीजें और खरीद सकते हैं। याद करिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उस समय भारत में विदेशी बंधन लगा दिए गए थे, अर्थात हमारे व्यापार को रोक दिया गया था। क्योंकि हमारा जब व्यापार रुक जाएगा तो हमारे लिए बहुत बुरी हालत हो जाएगी, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बुरी हालत हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि जो एनआरआई भाई थे ना अपने, वो लगातार कमा के भेज रहे थे, और हमारे पास डॉलर आ रहा था, उसी डॉलर से हम पेट्रोल डीजल तेल खरीद रहे थे। अगर मान लीजिए ये एनआरआई ना होते और अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा दिए थे, तो हमारा लगभग व्यापार बंद हो गया था। जब व्यापार बंद हो जाएगा तो डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा तो हम कैसे तेल खरीदेंगे, कैसे पेट्रोल खरीदेंगे, और उससे पूरा देश हमारा दबाव में आ जाता। लेकिन इन्हीं एनआरआई लोगों के कारण हमें काफी मदद मिली। 2008 के बाद मंदी का जो दौर आया, उसमें भी इन एनआरआई लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बात समझ आ रही? तो इनके कई रोल हैं, अभी हम और भी पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी से संबंधित। अब दूसरा टॉपिक है डायस्पोरा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी मेंस ने इससे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायस्पोरा के संदर्भ में भारत की भूमिका को लेकर। तो डायस्पोरा हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को शायद ये शब्द ही ना पता हो क्या होता है, तो चलिए इस शब्द को समझते हैं। देखिए, डायस्पोरा का मतलब होता है टू स्कैटर्ड फ्रॉम होम लैंड, टू स्कैटर्ड फ्रॉम होम लैंड, अर्थात अपने मूल निवास से फैलने वाले लोग। अब ये कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक देश है भारत, यहां पर मान लीजिए कई लोग रहते थे और कई लोग रहते हैं, ये क्या है, इन लोगों का मूल निवास है। लेकिन मान लो ये चले गए यूएसए में, यहां नागरिकता ले ली, ये मान लो चला गया यूके में, यहां नागरिकता ले ली, मान लो ये चला गया यूएई में, इसने यहां नागरिकता ले ली, मान लो ये चला गया श्रीलंका में, इसने यहां नागरिकता ले ली, अपने मन से नहीं गया, कई बार ऐतिहासिक कारणों से गए लोग। जैसे ब्रिटिश समय में जब ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो कई भारतीयों को बंधुआ मजदूरी कराने के लिए ले जाते थे, अर्थात सख्ती का प्रयोग करके ले जाते थे, लेकिन बाद में वो वही लोग रहने लगे। लेकिन है तो उनका संबंध भारत से ही ना, मूल निवास तो भारत का था ना उनका। तो कहने का ये मतलब है कि फैले तो भारत से हैं, तो इन सब लोगों को, ऐसे सभी लोग जिनका संबंध कभी ना कभी भारत से था,
उन्हें डायस्पोरा बोलते हैं। क्लियर कर लीजिएगा, डायस्पोरा कौन है? डायस्पोरा वो लोग हैं जिनका संबंध कभी ना कभी भारत से था। अगर भारत के संबंध में डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, तब जैसे यूएसए में कमला हैरिस कौन है? डायस्पोरा है। क्यों? अरे वो नहीं, उनकी मम्मी तो भारतीय थी ना। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति आज से 200 साल पहले भारत छोड़ के चला गया था अमेरिका, तो फिर उसके लड़का, उसका लड़के का लड़का, उसका लड़के का लड़का हुआ, तो है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय। उसका मूल जड़ कहां से जुड़ी हुई है? भारत से जुड़ी हुई है ना, तो उसको क्या कहेंगे? डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है भारत से जुड़े हुए लोग। क्लियर, भारत से जुड़े हुए लोगों को डायस्पोरा बोलते हैं। दोस्तों इस समय कोई भी सरकार हो, इनको लेकर बहुत परेशान रहती है, मतलब परेशान नहीं, पॉजिटिव सेंस में इनकी बहुत केयर होती है। आप देखो कि मोदी जी कहीं भी विदेशी यात्रा में जाते हैं तो वहां पर जो भी भारत से संबंधित लोग होते हैं उनसे एक अलग मीटिंग जरूर करते हैं। कभी आप उनको सुनते होंगे कि डायस्पोरा से मिले, कभी ओवरसीज इंडियन से मिले, यही सब दिन के लिए यूज होता है, ओवरसीज इंडियन भी होता है। तो समझ रहे हैं आखिर सरकार इतना क्यों चिंतित रहती है इनको लेकर। आप देखो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वो भी इन्हीं के लिए होता है, इमाइग्रेंट्स इन्हीं के लिए होता है। तो आखिर ऐसा क्यों, क्यों इतने महत्वपूर्ण है? अभी तो मैंने ये बताया कि डायस्पोरा होते कौन है, फिर अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि डायस्पोरा का महत्व इतना ज्यादा क्यों होता है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम इसका, यूपी से, यूपी से नहीं मतलब भारत से। जैसे भारत में एक संपन्न राज्य था बिहार, और बिहार से आप देखिए भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं लोग हैं। जैसे मैं कहूं ये भारत है मान लो, ये बिहार है, तो बिहार से हर जगह लोग होंगे, भारत क्या पूरे विदेश में होंगे। अब इसको क्या कहोगे आप, बिहार के संबंध में इनको डायस्पोरा कहोगे, है ना? जैसे मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा था अभी तक, तो बिहार के संबंध में डायस्पोरा कहोगे। अब मुझे आप बताओ इन सभी का बिहार में क्या महत्व होगा, क्या महत्व होगा आप ये बताइए, बिहार को कैसे ये फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए ये सभी कहीं ना कहीं बिहार से लगाव रखते होंगे, तो एक तो सीधे बिहार को, और देखिए सब संपन्न भी होंगे, लगभग लगभग सब बड़े पैसे वाले लोग होंगे, है ना, पैसे वाले लोग होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये बिहार में पैसा भेज सकते हैं। ऐसे ही मान लो कोई योजना चल रही है तो योजना में इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया, अपना बिहार है यार, पहले यहीं तो पढ़ते थे, मेरा बिहार है यार, ऐसा करके ना भावनात्मक लगाव होने के कारण क्या करेंगे, ये बिहार में किसी अच्छी योजनाओं में ऐसे ही पैसे दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं एक तो, दूसरी बात ये निवेश भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे निवेश क्या होता है, तो देखो जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है अरबपति है और इसको लग रहा है कि यार अपना एक समय का राज्य था, चलो यहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, तो देखो क्या हुआ, ये निवेश करेंगे, निवेश का मतलब ही हुआ फैक्ट्री लगाना। देखो निवेश को अगर मैं बताऊं टेक्निकल मतलब, तो ऐसा खर्चा जिससे कोई रिटर्न की उम्मीद हो उसको निवेश बोलते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट जाओ खाना खा के चले आओ, मूवी देखने जाओ मूवी देख के चले आओ, तो क्या इससे कोई आपको रिटर्न मिल रहा है? नहीं। लेकिन मान लो आप एक कार खरीदो और कार को रेंट में दे दो, तो ये खर्चे से आपको क्या मिलने लगा, रिटर्न मिलने लगा। तो ऐसा खर्चा जिससे रिटर्न मिलता हो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये व्यक्ति जो यहां पर फैक्ट्री लगा रहा है तो क्या कहलाया, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको प्रॉफिट होगा। पर याद रखिए इस इन्वेस्टमेंट से पूरे बिहार को प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिहार में रोजगार बढ़ेगा, है ना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। किस कारण हुआ? केवल इस कारण हुआ कि यह व्यक्ति पहले कभी बिहार से था, है ना। तो डायस्पोरा से क्या होता है, आप देख रहे हैं डायस्पोरा का रोल, पहला रोल क्या था, पहला रोल मैंने कहा था सीधे दान पुण्य किया जा सकता है, दूसरा रोल
निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और क्या होगा रोल? मान लो यही चीज, अभी मैं भारत में ही बता रहा हूं, मान लो महाराष्ट्र कोई ऐसा काम करे, ये महाराष्ट्र है, मान लो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है, महाराष्ट्र यहां होगा ठीक, चलो महाराष्ट्र का मान लो यही व्यक्ति था। अब मान लो महाराष्ट्र कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे बिहार को दिक्कत हो, अब इस बिहार में, सॉरी इस महाराष्ट्र में कई बिहार के लोग रह रहे होंगे, जब उनको पता चलेगा कि यह राज्य एक ऐसी योजना बना रहा है, एक ऐसी नीति बना रहा है जिससे बिहार को दिक्कत होगी, तो ये लोग वहां की सरकार का हल्का फुल्का विरोध करेंगे या मनाने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा राज्य है एक समय का, उसके साथ तो ऐसा गलत ना करो या ऐसी नीति मत बनाओ कि उसको नुकसान हो। तो महाराष्ट्र की सरकार सोचेगी कि यार इनको तो भविष्य में वोट देना है, इनको मैं नाराज नहीं कर सकता, इस कारण ऐसा कोई काम मत करो जो बिहार के लिए बुरा हो। तो आप देखो कि ये राज्य अच्छी नीतियां बिहार के लिए कब बनाएगा, जब यहां पर ज्यादा बिहारी होंगे। क्लियर? अभी ये मैं इंटरनेशनल संबंध में भी आपको बताऊंगा। साथ में आप ये देखिए कि बिहार में मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग बनती है, बहुत फेमस होती है, या बिहार का मान लो लिट्टी चोखा बहुत फेमस होता है, लीची बहुत फेमस होती है, तो ये बताइए जब ये यहां पर आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे ना, क्योंकि जो बिहार के लोग रह रहे हो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, साथ में अपने आसपास रहने वाले मराठियों को भी मोटिवेट करेंगे कि यार मधुबनी पेंटिंग बड़ी शानदार होती है, खरीदो, लीची खाओ यार, बड़ा मजा आता है। तो क्या होगा, उसकी सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। जब बिहार का सामान इधर ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो फायदा किसको होगा? बिहार को होगा। तो समझिएगा आप, निवेश हो गया, दान पुण्य हो गया, बाजार भी होता है। अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में। फिर और देखिए आप, और इसका क्या महत्व होगा, मान लो कोई व्यक्ति यहां पर है, महाराष्ट्र आया, बिहार से कहां आया, ये बिहार था, यहां से महाराष्ट्र आया, खूब पढ़ा लिखा, 20 साल तक जॉब की, एक शानदार साइंटिस्ट बन गया, लेकिन अब इसे लगने लगा कि चलो मैं अपने पुराने देश वापस चलूं, अर्थात पुराने राज्य वापस चलूं, तो वापस जाएगा पुराने राज्य बिहार में, तो यहां पर काम करेगा, तो बिहार को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने आप मिल गया, एक टीचर अपने आप ऐसे मिल जाएगा, मान लो डॉक्टर कई सारे आ जाएंगे, तो क्या हुआ, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है अपने आप। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये डायस्पोरा थे, और यहां के मुख्यमंत्री ने कभी अपील की होगी कि भाई जो भी अपना बिहारी भाई हो वापस आ जाए, बिहार को उनकी जरूरत है। तो आप देखिए बहुत से लोग चले जाएंगे, है ना, कई भावुक लोग चले जाएंगे। मान लो एक बार फिर बोलते हैं मंत्री जी कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, हमें राहत कार्यक्रम के तहत पैसे दो, तो जितने भी इधर उधर बिहारी होंगे पैसे वाले, वो सब पैसे भेजेंगे। तो इस तरह जितने भी लोग डायस्पोरा संबंधित लोग होते हैं, वो हमेशा अपने मूल देश को फायदा पहुंचाते हैं। अब चलिए इसको भारत के संदर्भ में देख लें। चलिए अब इसको भारत के संदर्भ में देख लें। जैसे मान लो ये भारत है ना, ये मान लो यूएसए है। अब कई भारतीय इधर होंगे, अब ये क्या क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए? और ये मान लो नागरिक कहां के हैं, ये नागरिक यूएसए के ही है, नागरिक यूएसए के ही हैं, बस भावनात्मक लगाव होगा इन्हें, बस भावनात्मक लगाव होगा। याद रखिएगा, एनआरआई से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डायस्पोरा मतलब नागरिक होंगे उसी देश के, यहां हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लो भारत का सामान यहां होगा, बना होगा, तो ये सब क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे, साथ में क्या करेंगे, अपने आसपास जो यूएसए के दूसरे लोग होंगे उन्हें भी मोटिवेट करेंगे। अरे हर आदमी के दोस्त भी तो होंगे कई, जब मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा, भारत का सामान वहां बिकने लगेगा। तो आप कहोगे सर डायस्पोरा के कारण एक अच्छी बाजार अवेलेबल होगी, और जितना भारत का सामान बिकेगा उतना ही तो भारत का निर्यात बढ़ेगा, और जितना भारत का निर्यात बढ़ेगा उतना ही तो डॉलर हमें मिलेगा, और डॉलर का तो आप महत्व जानते ही हैं। दूसरी बात, ये लोग मान लो हैं, सब रह रहे हैं, अब मान लो वहां के राष्ट्रपति ने कोई ऐसा नियम बनाने की कोशिश की जो भारत को दिक्कत दे, तो ये हल्का हल्का विरोध करेंगे, या राष्ट्रपति जो भी होगा वहां का प्रेसिडेंट, वो क्या सोचेगा कि यार मैं कोई ऐसा नियम ना बनाऊं जो भारत को नुकसान दे। क्यों? क्योंकि भारत के लोग यूएसए में बहुत रहते हैं,
और फ्यूचर में ये चुनाव में दिक्कत दे सकते हैं। तो एक प्रकार से आप कहोगे कि वहां के प्रेसिडेंट में दबाव बना रहेगा, किस कारण? केवल इन डायस्पोरा के कारण। इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अब आप देखो, चुनाव हो रहा था यूएसए का, पर वहां पर भारतीयता का क्या महत्व था कि वाइस प्रेसिडेंट इंडियन बनाई गई। वहीं आप ट्रंप को देखो कि हाउडी मोदी कराया गया, क्योंकि यूएसए के ट्रंप और बिडेन दोनों दिखाना चाह रहे थे कि हम कैसे भारतीयों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, क्योंकि वह भारतीय वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो यह भी डायस्पोरा का रोल है। बताइए, एक विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश में भारत का कितना महत्व बढ़ रहा है, किसका कारण क्या था? यही डायस्पोरा। अगर मान लो जो यूएसए में भारतीय लोग रह रहे थे, मतलब भारतीय कहने का मतलब समझिए भारतीय मूल के लोग रह रहे थे, अगर वो भारत को कभी याद ही ना करें, भूल जाएं, तो क्या ये सब होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो यहां से मोदी जी हर महीने ऐसे भावुक भाषण दें कि डायस्पोरा लोग प्रभावित होते रहें, तो जैसे जैसे मोदी जी लेक्चर देंगे, है ना, कि आओ घूम जाओ भारत, अपने भारत को जानो, आओ अपने पुराने घर, ऐसी कुछ योजनाएं निकालते रहें, तो क्या होगा? ये सब लोग भावुक होते रहेंगे कि हाँ यार, हमारा देश है, हमें बुला रहा है, चलना चाहिए। तो क्या पता कई साइंटिस्ट आ जाएं वहां से, नासा छोड़ के इसरो आ जाएं, कई टीचर आ जाएं ऑक्सफोर्ड छोड़ के। तो इससे क्या होगा? एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, पैसा आएगा, बाजार मिलेगी एक। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि डायस्पोरा का कितना बड़ा रोल होता है। और आजादी के बाद हमने इनके रोल को सीधे नहीं समझा, काफी लंबे समय तक नहीं समझा, लेकिन एक समय बाद 2000 दशक के बाद हमने इनका रोल समझा। और फिर हमने क्या किया कि इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि जितने भी लोग भारत से संबंधित लोग पूरे विश्व में रह रहे हैं, उनको हम एक बार फिर याद करें और हम उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें भारत से जुड़ने के लिए। तो इस क्रम में हमने क्या किया, हम लोग होश में आए कि भाई जो भारतीय मूल के लोग पूरे विदेशों में रह रहे हैं ना, उनको हल्के में नहीं लेना, ये लोग भारत के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं, ये भारत को ज्ञान दे सकते हैं, भारत को स्किल दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, नासा से कोई इसरो आ जाए, ये भारत को एक अच्छा बाजार दे सकते हैं, ये भारत को बड़ा इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। जैसे नमामि गंगे एक योजना आई थी, उसमें सबसे ज्यादा किसी ने पैसा लगाया था तो इन्हीं डायस्पोरा लोगों ने। अब डायस्पोरा का जब महत्व समझ में आया तो फिर इनके लिए क्या किया जाए, ये बताइए। अब आप, हमें कुछ ऐसा करना होगा ना कि जिससे ये डायस्पोरा लोग भारत में ज्यादा आ सके। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जितने भी अपने ये डायस्पोरा लोग हैं, इनको नागरिकता दे दी जाए क्या भारत की? हमने सोचा क्या इनको भारत की नागरिकता दे दें क्या, ताकि इनका क्या हो जाए, भारत के प्रति लगाव बढ़ जाए। मान लो एक डायस्पोरा है सी, और मान लो ये यूएसए का नागरिक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम इसको इंडिया की नागरिकता भी दे दें, इससे भारतीयों के प्रति इसका लगाव बढ़ जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, अर्थात भारत एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं दे सकता जिसे कहीं दूसरे से भी नागरिकता मिली हो। तो इस कारण ये वाला प्लान तो हमारा फेल हो गया। अब क्या किया जाए, तो चलो एक ऐसा काम करते हैं कि नागरिकता तो नहीं दे सकते, अर्थात हम, नागरिकता का मतलब होता है पासपोर्ट, ये मान के चलो, है ना, एक देश अपने नागरिकों को ही केवल पासपोर्ट देता है। तो हम इस सी को, जो कि यूएसए का नागरिक था पर भारतीय मूल का है, इसको हम पासपोर्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसा कार्ड बना के दे दें जिससे ये भारत के प्रति एक विशेष लगाव रखने लगे। तो हमें लगा कि चलो कुछ देते हैं इसको। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया PIO कार्ड की, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया OCI कार्ड का। ये दो कार्ड के कॉन्सेप्ट आए। ये कार्ड कौन से हैं, ये किसको दिए जाते हैं, इनका क्या महत्व, ये समझिए। देखिए, पहले तो समझिए महत्व क्या है। तो चूंकि हम डायस्पोरा को आकर्षित करना चाह रहे थे और उन्हें
एक प्रकार से भारत से जोड़ना चाह रहे थे, पर चूंकि हम उन्हें नागरिकता नहीं दे सकते क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, इस कारण हमने उन्हें नागरिकता जैसे ही कुछ अधिकार देने की कोशिश की, नागरिकता जैसे पूरे नहीं। तो हमने क्या किया, इनको हमने एक कार्ड दिया, PIO कार्ड, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात भारतीय मूल के लोग, ऐसा एक कार्ड दिया, अर्थात जैसा पासपोर्ट होता ना, कैसे वैसे इनको हम एक कार्ड देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा PIO, और इस कार्ड को जो लोग पाएंगे वो लोग भारत में आकर NRI की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होगा, याद रखिएगा, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होगा, पर उनको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे वो पढ़ सकते हैं कहीं भी, है ना, वो आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, वो भारत में आने के लिए वीजा नहीं बार बार उन्हें लेना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई और भारत में आए, है ना, जैसे मान लो USA का एक सामान्य नागरिक भारत में आना चाहे तो जब भारत आएगा तो वीजा लेना पड़ेगा उसे, जितने बार आएगा उतने बार वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन मान लो कोई USA का भारतीय मूल का नागरिक है और उसको हमने PIO कार्ड दे दिया तो उसको बार बार वीजा नहीं लेना, एक बार ले लेगा जिंदगी भर काम चलेगा, मतलब एक समय सीमा उसकी होगी उस तक काम करेगा वो, है ना। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आया ओवरसीज इंडियन, ये क्या है, ये भी PIO कार्ड की तरह ही था पर PIO से ज्यादा इसको पावर थी, अर्थात ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं उनको ओवरसीज इंडियन बोला गया, और उनको भी एक कार्ड दिया गया जिसको कहा गया OCI कार्ड। ये कार्ड भी कैसा था, ये कार्ड जिसको मिलता था वह नागरिक किसी भी देश का हो, जिसको ये नागरिक होने के कारण कार्ड मिल जाता था क्योंकि वो भारतीय मूल से संबंधित था, तो फिर उसको भारत में आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक बार अगर आपको ये कार्ड मिल गया तो आपको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल गया, इतना ज़्यादा इसका रोल था। अगर मान लो कि एक USA का कोई व्यक्ति है, मान लो D, और जिसकी पास OCI कार्ड है ना, जिसके पास OCI कार्ड है, तो अगर उसको OCI कार्ड मिल गया ना तो ये फिर लाइफ लॉन्ग वीजा है, इसे बार बार वीजा नहीं लेना, इतनी सुविधा मिलती थी, ये कहीं भी घूम सकता है फिर भारत में। और याद करिए, इनके साथ लगभग लगभग नागरिकों की तरह ही व्यवहार होगा, जैसे आप अगर कहीं घूमने जाओ, जैसे आप ताजमहल कभी गए हो, अगर ताजमहल जाओ तो वहां आप देखिएगा कि जो इंडियन सिटीजन होते हैं ना उनका किराया बहुत कम होता है देखने का चार्ज, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं उनका चार्ज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फॉरेनर्स के साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, इंडियन के साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, जिसके पास OCI कार्ड होगा अगर वो ताजमहल देखने जाएगा तो उसे इंडियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बात समझ में आ रही ना, हम डायस्पोरा को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह महसूस करा रहे हैं कि अरे भाई तुम तो अपने ही थे, अभी तक बस बिछड़ गए थे। साथ में यह भी कहा जाता है इनको डायस्पोरा को कि अगर उन्हें OCI का कार्ड मिल गया तो उन्हें नागरिकता बहुत जल्दी मिल जाती है, बस 5 साल भारत में रहें और नागरिकता ले लें। पहले क्या था, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये लोग भारतीय मूल के लोग हैं मूलतः, और इनके लिए पंजीकरण की सुविधा पहले अवेलेबल थी, पर पंजीकरण में 7 साल रहना पड़ता था, लेकिन जिसको भी OCI कार्ड मिल गया उसको केवल अब 5 साल रहना पड़ेगा बस, अब 5 साल के बाद वो नामांकन करा सकता है। दोस्तों, PIO और OCI कार्ड के बारे में समझ में आ गया ना आपको कि ये भारतीय मूल के लोगों को मिलता है। अब भारतीय मूल के कौन लोग होते हैं, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका, ऐसे लोग जिनके माता पिता या माता पिता के भी माता पिता या उनके माता पिता भारत से संबंधित हो, कहने का मतलब है जिनके फादर एंड मदर, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर एंड मदर भारत से अगर संबंधित होंगे तो उनको यह कार्ड मिलेगा। पर याद रखिएगा, यह कार्ड पाकिस्तान व अफगानिस्तान से संबंधित लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उनको हम देने लगे तो फिर तो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये कार्ड ले लेगा और हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, तो ये बात समझिएगा। साथ में अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्पाउज इंडियन हो, मतलब अगर कोई विदेशी लड़की है उसका पति भारतीय है, तो उसको भी ये कार्ड मिल जाएगा। अब मान लो कोई विदेशी लड़का है पर उसकी पत्नी भारतीय है, तो उसको भी ये कार्ड मिल जाएगा। तो ये कार्ड किसको मिलेगा, जो भारतीय मूल के होंगे, और भारतीय मूल कौन लोग होते हैं,
जिनके स्पाउज इंडियन हो, पति या पत्नी में कोई भी एक, या जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हो। समझ में आया आपको? तो ये तीन क्राइटेरिया के आधार पे आपको भारतीय मूल का माना जाएगा, और भारतीय मूल होने पे ये दो कार्ड आपको मिल सकते हैं। अलग अलग थे पर वर्तमान में इन दोनों कार्डों को एक कर दिया है। जितने भी पीआईओ थे उनको सबको ओसीआई में मर्ज कर दिया है। पूछो क्यों? लगभग लगभग दोनों एक होते थे, जब दोनों एक हो रहे हैं तो फिर इनको अलग अलग क्यों करें? इससे ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज बढ़ जाता है, बेफालतू का मैकेनिज्म बढ़ जाता है। जब एक है तो क्यों ओवरलैपिंग कराएं? जब लगभग लगभग एक से प्रावधान है, इसी कारण पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया, और वर्तमान में केवल ओसीआई कार्ड ही अब होता है। अब क्वेश्चन कभी आ जाए कि ओसीआई कार्ड रखने वालों को वोटिंग राइट्स होते हैं, तो आप कहोगे नहीं होते, इन्हें केवल जॉब करने का अधिकार होगा, इन्हें केवल पढ़ाई करने का अधिकार होगा, और कुछ आर्थिक गतिविधियों का भी इनको अधिकार होता है। ये एनआरआई की तरह इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकते हैं, पर याद रखिएगा वोटिंग राइट्स नहीं है, ये पूर्णता नागरिक नहीं है, ये संवैधानिक पदों में नहीं रह सकते। तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि डायस्पोरा कौन होते हैं, डायस्पोरा का क्या रोल होता है, और डायस्पोरा के कितने पावर होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। डायस्पोरा हमारा क्लियर हो गया, अब देखिए सेंसस पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? सेंसस, जनगणना, नागरिकता में ये टॉपिक भी जुड़ा रहता है। तो देखिए नागरिकता के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लें। नागरिकता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मौर्य काल से ये कॉन्सेप्ट है। जो अर्थशास्त्र है अगर उसको भी आप देखोगे तो उसमें भी नागरिकता के, सॉरी नागरिकता नहीं, जनगणना के बारे में प्रावधान है। इसे जनगणना बोलते हैं ना। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कॉल पे, फिर उसके बाद विस्थापित रूप से या व्यवस्थित रूप से 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। याद रखिएगा हर 10 साल में होती है, 1941 में पर नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी 1941 में? 1941 में इसलिए नहीं हुई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रिटिश के लोग जनगणना क्यों करते थे? तो देखो मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश के लोग क्या चाहते थे? फूट डालो और राज करो। वो ऐसी नीतियां बनाना चाहते थे जिससे फूट डाली जा सके और राज किया जा सके। पर सवाल ये उठता है कि अच्छी नीति कब बनेगी? जब डेटा होगा। जैसे मान लो मुझे पता चल जाए कि इस एरिए में 50 हिंदू हैं, 50 मुस्लिम हैं, तो मैं एक योजना बनाऊंगा कि इन दोनों को टकरा दूं। जब तक मुझे ये भी नहीं पता, ये पता कि 100 लोग हैं इधर, पर ये नहीं पता कि कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं, तो मैं फूट डालो राज करो की नीति नहीं अपना पाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पर जनगणना करनी होगी। कैसी? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे जब मैं जनगणना करूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि यहां 50 हिंदू हैं और 50 मुस्लिम हैं, तो फिर मैं ऐसी नीतियां बनाऊंगा कि ये आपस में लड़ने लगे। मैं अच्छी नीति भी बना सकता हूं, लेकिन जब मेरा उद्देश्य खराब है तो मैं खराब काम करूंगा। ऐसे ही ब्रिटिश के लोग कर रहे थे। ब्रिटिश के लोग जो भारतीय जनगणना कर रहे थे, उनका उद्देश्य कोई भारतीयों के साथ अच्छा करना नहीं था, उनका उद्देश्य भारतीयों के बीच में फूट डालना था और राज करना था, साथ में भारतीयों के संदर्भ में समझना था, ताकि वो नीतियां बना सके कि कैसे भारतीयों का शोषण कर सके। आप देखिए जो अंग्रेज जनगणना करते थे वो जाति के आधार पर करते थे, धर्म के आधार पर करते थे केवल, इस कारण वो समझ सके किस क्षेत्र में किस जाति के लोग रह रहे हैं, फिर आपस में लड़वा देंगे, किस धर्म के लोग रह रहे हैं आपस में लड़वा देंगे। हर क्षेत्र के बारे में उन्हें जानकारी हो जाएगी कि इस क्षेत्र में किस जाति के किस धर्म के लोग रह रहे हैं, तो आपस में वो लड़वा देंगे। तो इस तरह दोस्तों वो जनगणना का यूज करते थे। उनकी जनगणना करने की नीयत सही नहीं थी, याद रखिएगा। वो शोषण करना चाहते थे, वो फूट डालना चाहते थे। आगे चलते हैं। देखिए भारत में जो जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। अभी एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जो वीजा होता है, मैं बता रहा था ना वीजा शब्द इतने बार यूज किया था, और पासपोर्ट भी यूज किया था। तो देखिए पासपोर्ट होता है जो विदेश मंत्रालय देखता है, जबकि वीजा गृह मंत्रालय देखता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। पासपोर्ट जो है वो विदेश मंत्रालय द्वारा होता है,
जबकि वीजा जो होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, और ये कभी भी प्रीलिम्स में आएगा देखिएगा सब बच्चे लगभग गलत करेंगे, लेकिन हम लोग गलत नहीं करेंगे। अब देखिए गृह मंत्रालय ही सेंसस देखता है, जनगणना, और याद रखिएगा गृह मंत्रालय ही एनपीआर देखेगा और एनआरसी भी देखेगा। पर इसका कानून कौन सा है दोनों का? दोनों का कानून है सिटीजन एक्ट 1955, जबकि सेंसस का कौन सा कानून है? सेंसस 1948। और इसको कौन देखता है? इसको देखता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक ये देख लीजिएगा। और 2021 में 16वीं जनगणना होनी है, 2021 में 16वीं जनगणना होनी है। और इस जनगणना की खासियत क्या है कि इसमें पहली बार मोबाइल ऐप का यूज किया जा रहा है, साथ में इस जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष महत्व दिया गया है। इसकी यह खासियत है, ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष महत्व दिया गया है। याद रखिएगा 2021 में 16वीं जनगणना होनी है, 16वीं, अभी तक 15वीं हुई है केवल, आजाद भारत के बाद यह 8वीं जनगणना होगी। आगे देखते हैं, जनगणना होता क्या मैं ये बताऊं, जनगणना मतलब बस ये नहीं होता केवल डाटा ले लेना, डाटा तो लिया ही जाता है, जानकारी तो ली जाती है, और जानकारी बहुत व्यापक तौर पर ली जाती है, जैसे धर्म जाति तो उस समय लिया जाता था, पर अब देखिए जैसे मान लो मेरे पास आए तो मुझसे पूछेंगे कि अब क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम कैसे घर में रहते हो, तुम्हारे पास पीने का पानी आता है कि नहीं आता, तुम्हारी छत कैसी बनी हुई है, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, ऐसे पूरे एक क्वेश्चन आंसर की लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में इतने क्वेश्चन होते हैं कि उससे आपके बारे में लगभग लगभग संपूर्ण जानकारी हो जाती है। और जब भारत सरकार को हर नागरिक के बारे में एक अच्छी जानकारी हो जाएगी तो क्या करेगा, वो सरकार हर नागरिक के संदर्भ में एक शानदार योजना बना लेगी। अब मान लो कि उसे पता चल गया कि यूपी के लोगों में खासकर कुपोषण होता है ना, मान लो उसने जानकारी सर्वे के द्वारा पता कर लिया, तो क्या करेगा, यूपी में कुपोषण को दूर करने के लिए योजना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो जितनी अच्छी जानकारी होती है उतनी अच्छी नीतियां बनती हैं, इसीलिए जनगणना की जाती है वर्तमान में। पहले तो फूट डालो के लिए था, अब क्या है, अब ज्यादा से ज्यादा डेटा लिया जाए, उस डेटा का एनालिसिस किया जाए, फिर उसके बाद पॉलिसी बनाई जाए। समझ में आया? अगर आपसे मैं पूछूं जनगणना का क्या महत्व है तो आप कहोगे सर जनगणना के माध्यम से सरकार हमारे आंकड़े लेती है, डेटा लेती है, फिर उस डेटा का एनालिसिस करती है और फिर एक पिक्चर बनाती है कि कहां क्या समस्या है, कहां क्या अच्छा है, और फिर उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है। जैसे मान लो दिल्ली में करे, दिल्ली का सर्वे देखेगी, दिल्ली का सेंसस, तो वहां देखेगी कि सब लोग पढ़ते अच्छा है ना, स्वास्थ्य भी अच्छा है, पर वहां के लोगों में कुछ समस्या है, जैसे बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज्यादा है, तो हेल्थ इशू होगा। बात समझ आ रही हो? तो हेल्थ इशू के लिए वहां योजना बनाओ। लेकिन जब यूपी की बात करेंगे तो यूपी के लोग पढ़ते कम है, तो यूपी में पढ़ाई के लिए योजना बनाओ। तो पता होगा ना कहां क्या समस्या है, कहां क्या अच्छाई है, किससे? डेटा से होता है। और डेटा जितना अच्छा सेंसस होगा उतना अच्छा डेटा होगा, क्योंकि सेंसस से ज्यादा डेटा कहीं नहीं होता। जनगणना इतनी व्यापक तरीके से ली जाती है, इतने क्वेश्चन आंसर होते हैं कि आप पूछो मत। चलिए अब आता है आधार कार्ड। नॉर्मली आधार कार्ड लगता है लोगों को कि नागरिकता के लिए एक पहचान पत्र होता है, तो ये तो पहले बिल्कुल जान लो कि आधार कार्ड का नागरिकता से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात आप आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण पत्र के तौर पे नहीं दिखा सकते, ये चीज पहले क्लियर कर लो, है ना। और याद रखिएगा ये 12 डिजिट का नंबर होता है, कितने डिजिट का? 12 डिजिट का। और ये सब क्या होंगे? ये न्यूमेरिक होंगे, है ना। आप देखिएगा आधार नंबर ऐसा नहीं होता 10 20 ABCD 11 12 13 14, ऐसा नहीं होगा, पूरा डिजिट में होगा, 1 से लेकर 9 तक में ही होंगे पूरे 12 नंबर। जबकि जो पैन कार्ड होता है ना, जो पैन कार्ड होता है दोस्तों, वो 10 डिजिट का होता है, लेकिन वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। जैसे आप देखो कोई भी पैन कार्ड, उसमें ABCD भी आ जाएगी और गिनती भी आ जाएगी, तो उसे अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। लेकिन
आधार कार्ड हमारा अल्फान्यूमेरिक नहीं होता और ये 12 डिजिट का होता है। याद रखिएगा, कभी मान लो फ्यूचर में क्वेश्चन हो गया आधार कार्ड कितने का, 12 का, पैन कार्ड कितने का, 10 का। और याद रखिएगा कि आधार कार्ड को बनने में बायोमेट्रिक भी लेते हैं और डेमोग्राफिक भी जानकारी लेते हैं, ये मैं तो बता चुका हूं कई बार। क्वेश्चन ये उठता है कि आधार कार्ड के मामले में कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, अर्थात किस विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो आप कहोगे UIDAI का, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है। साथ में ये जो डिपार्टमेंट है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है, MeitY बोलते हैं इसे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर, यहां से सवाल जरूर बनेगा। याद रखिएगा कि आधार कार्ड का डिजिट कौन सा है, विभाग कौन सा है, मंत्रालय कौन सा है। पैन कार्ड को भी याद कर लीजिएगा, पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। एक शब्द आएगा भू आधार, कौन सा आएगा, भू आधार। याद रखिएगा दोस्तों, भू आधार कोई भारत सरकार की स्कीम नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की एक योजना है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक भूमि के टुकड़े को एक नंबर दिया जाएगा जो 11 डिजिट का होगा। तो ये क्या है, ये लैंड रिलेटेड है, इसीलिए भू लगा हुआ है, भू आधार। उसी की एक प्रकार से कॉपी की गई है, लेकिन आप कभी ये मत सोचिएगा ये भारत सरकार की है, 11 नंबर का होता है। ठीक, अब चलिए दोस्तों, सेंसस तो आपने देखा था अभी, पर याद रखिएगा जो सेंसस है उसमें जाति या धर्म के डेटा नहीं लिए जाते, क्योंकि भारत में कई सारी योजनाएं जाति व धर्म के आधार पर बनती है। जैसे आप देखो आरक्षण किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है। तो भाई हमें जाति की जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी जाति किस मात्रा में है, उनका कितना विकास हुआ है। और 2000 कर रहा हूं, जो नॉर्मल सेंसस होती है उसमें जातियों के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, तो इसलिए एक नई तरह की जनगणना लाई गई जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। याद रखिएगा जाति के आधार पे लास्ट जनगणना 1931 पे हुई थी, और 2020 में भी हम जो आरक्षण को लेकर प्लानिंग बनाते हैं या जातियों के विकास के लिए जो काम करते हैं उसमें ये डाटा यूज करते हैं। अब बताओ कितनी अचंभे वाली बात है, हम डेटा किस साल का यूज कर रहे हैं, 1931 का। हमारे पास जाति के आधार पे कोई डेटा ही नहीं था कि हम जातियों के लिए संबंध में कोई अच्छी पॉलिसी बना सकें, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 2011 में एक जनगणना करेंगे जो होगी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसमें देखिए इकोनॉमिक भी किया गया है, सोशियो भी किया गया है पहलू, अर्थात कास्ट भी किया गया, अर्थात एक ऐसी जनगणना जिससे हम सोशियो क्वेश्चन पूछ के भी डेटा इकट्ठा करेंगे, कास्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ के डेटा इकट्ठा करेंगे और इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन भी पूछ के डेटा इकट्ठा करेंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं SECC। याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होती है मूलतः, पर इसमें गृह मंत्रालय व शहरी एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भी योगदान देता है। कौन कौन सा, हाँ, गृह मंत्रालय, शहरी एवं आवास मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय, तीन मंत्रालय के द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जाती है। यह जनगणना तीन मंत्रालय के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। कौन कौन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा, शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा एवं ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ा रोल इसमें ग्रामीण मंत्रालय का होता है, मेन यही संस्था होती है। तो याद रखिएगा सोशियो एंड इकोनॉमिक सेंसस कौन कराता है, अगर एक क्वेश्चन ऑप्शन हो तो होगा ये मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, है ना। अगर तीनों होंगे तो तीनों का आपको आंसर लिखना है, लेकिन अगर एक होगा तो ये। क्लियर, सबसे मेन यही है, नोडल एजेंसी यही है। देखिए अब इसमें भी NC सक्सेना कमेटी एक बनी थी, एक HR हासिम कमेटी बनी थी, इन दो कमेटी से अनुशंसा ली गई थी जो ग्रामीण के लिए
SECC किया जाता है ग्रामीण के लिए, वो इस समिति के आधार पर किया जाता है, एनसी सक्सेना समिति के आधार पे। अर्थात जो गांवों में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की जाती है वो एनसी सक्सेना की अनुशंसा के आधार पे की गई, जैसी इस समिति ने रिपोर्ट की थी। और जो अर्बन में, जो शहर में SECC सेंसस किया जाता है वो किसके आधार पे किया जाता है, उसको किया जाता है HR हासिम जी के अनुसार। क्लियर, ये दो नाम याद रखिएगा, एनसी सक्सेना व HR हासिम। दोस्तों एक आएगा NSR, नेशनल सोशल रजिस्टर। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें यह किया गया है कि जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें कुछ जानकारियां और जोड़ दी जाएंगी, जैसे जाति, लिंग, आर्थिक गतिविधियां, कि आप कौन सी जॉब करते हो नहीं करते। जैसे मान लो मेरा आधार कार्ड है XYZ, अब इसमें ये जानकारी भी जोड़ी जाएगी कि मेरी कास्ट क्या है, मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई, शादी हुई है तो कहाँ हुई है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरी जॉब क्या है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लिख ली जाएगी। एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसके पेज के पहले लिखा होगा योगेश त्रिपाठी, और उसके बारे में योगेश त्रिपाठी की जितनी जानकारी होगी लिखी होगी, तो सरकार को मेरे बारे में सारा डेटा मिलेगा लगभग। इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह प्राइवेसी को खत्म कर देगा, पर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि इसके द्वारा सरकार बेहतरीन नीतियों का निर्माण कर सकेगी, बेहतरीन योजनाएं बना सकेगी। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं। दोस्तों नागरिकता से जुड़े हुए लगभग हमने सभी बिंदुओं पे बात कर ली है। अब मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा, अब आपका काम है रिविजन करना और उसको दिमाग में बनाए रखना। दोस्तों आज की क्लास के लिए धन्यवाद, नमस्कार।